بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ख्याल हुआ कि इस किताब के आखिर का कुछ हिस्सा सुनाऊं. अभी ध्यान में आगे बात आती है तो मैंने कहा कि सुना दूं, इंशाल्लाह मुफीद होगा. कल जो किताब सुनाई गई अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत असर रहा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इन अकाबिर की तालीमात पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए. लिख रहे हैं, बस आमाल की खूबी इससे है कि अल्लाह की तरफ की समझो, यानी जो आमाल तुमसे हो रहे हैं दर हकीकत अल्लाह ने तुमको तौफीक दिया है कि तुमने किया. जब ध्यान में ये बात रहेगी तो उजुब नहीं होगा, बिंदा नहीं होगा. बंदे का सबसे बड़ा बुलंद अमल यह है कि जो कुछ करे उसको अल्लाह की तरफ से समझो. अल्लाह ने तौफीक दिया कि हमने एक मरतबा अल्लाह कहने को अल्लाह ही का करम समझे. बिना पर जिन लोगों को भी तौफीक जिक्रुल्लाह की हो रही है, ये इताअत अल्लाह की हो रही है, उसको सब अल्लाह का अतिया उनकी नेमत समझे. इसी को कह रहे हैं ला तशी की जरूरत नहीं, बहुत उम्र मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह. अभी निकल आया था सुना रहा हूँ. बस आमाल की खूबी इससे है कि उसको अल्लाह की तरफ से समझो, और वही है अल्लाह के साथ जो अल्लाह की तरफ से समझे, अल्लाह के साथ हुआ है. कहते हैं और वही है कि अल्लाह के साथ गिरा हासिल हो, उसी पर इक्तफा करे, उस पर भरोसा हो, उसी से हाजत पेश करे और उसी के रूबरू हमेशा रहे. ये है कमाल, ये निस्बत एहसान. निस्बत एहसान का ताल्लुक हम लोगों ने समझे किसी नमाज से है, अंताबुदल्लाह का तरह. ये है लिखा, जब किताबुल अस्कार पढ़ा रहे थे तो उसमें लिखा कि तिलावत में ये इस्तेहज़ार करो कि अल्लाह उसको देख रहा है. अल्लाह तो फरमाया देखो जी, अब देखो हजरत की बात पर, हम लोग समझते थे कि एहसान का तर्क सिर्फ नमाज से ही, तो तिलावत से भी है. तिलावत में भी समझो कि अल्लाह हमको देख रहे हैं, अंताबुद अल्लाह करने का तरह, हम तिलावत करें अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है, यही तो एहसान है. तो वाकई हम लोग देख रहे हैं अंताबुद अल्लाह करने का तरह, यही कि नमाज के साथ ये खास है. लेकिन नहीं, तिलावत बड़े ताज्जुब से कहा पढ़ाते वाले, ये देखो तिलावत से भी है, देख रहा हूँ मेरा मजमून, बहुत दिनों की बात है. हजरत मौलाना अब्दुल्लाही साहब ने लिखा है, डॉक्टर अब्दुल्लाही साहब ने, कि एहसान का ताल्लुक हर अमल से है. कहा अगर तुम बाहर से आए, तुम्हारा नवासा है या तुम्हारा पोता है, उसको तुमने उठा लिया, गोद में ले लिया और उसको चूमा, कहता है लिखा हुआ इस इस्तेहज़ार के साथ कि अल्लाह ने फरमाया कि बच्चों के साथ हम का मामला करो, यही एहसान है. नहीं, एहसान का ताल्लुक सिर्फ नमाज से नहीं, सिर्फ तिलावत से नहीं, बल्कि हर अमल के साथ है कि अल्लाह ने ये फरमाया है. हमारे हजरत बयान किया था, फरमाते थे देखो सब लोग हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को चाहते हैं, लेकिन वो सब ज़ियारत क्या मनामी ज़ियारत है, कहा वो अपने बस में नहीं है. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत तुम्हें चाहते ज़ियारत हो जाए नौ में ख्वाब में, लेकिन एक ज़ियारत उमूमी है, हर सुन्नत के वक्त ये ख्याल रखो, हर अमल के वक्त ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत है, ये ज़ियारत रूहानी है. माशा उन्होंने एहसान के मुतलिक कहा डॉक्टर अब्दुल्लाही साहब ने,
हमारे हजरत ने ज़ियारत रसूल के मुतल्लिक़ फरमाया बहुत, कि वो ज़ियारत जो मनामी है ख्वाब में वो आपके बस में नहीं है। लेकिन ये हर वक्त अल्लाह ने फरमाया कि हर वक्त ये तस्वूर करो कि हमको तो इस तरह लेटना चाहिए, इस तरह बैठना चाहिए, इस तरह खाना चाहिए, इस तरह पीना चाहिए। ये ज़ियारत रूहानी है और हकीकी ज़ियारत यही है। दीन आसान है और सबसे मुश्किल निस्बत से एहसानी को समझते हैं, उसको इन बुजुर्गों ने आसान कर दिया। अल्लाह ताला तौफीक दे। दीन बहुत अच्छा लिख भी रहे हैं। आमाल की खूबी इससे है, आमाल की खूबी इससे है कि अल्लाह की तरफ से समझो। आमाल के अंदर खूबी कि अल्लाह ने दिया है तो उसकी बरकत अब आ जाएगी। और वही है अल्लाह के साथ, और वही है कि अल्लाह के साथ गना हासिल हो। अल्लाह लिख रहे हैं उसी पर इक्तफा करो, उसी पर भरोसा करो, ये बहुत बड़ी है। इसी से हाजत पेश करें, गना उसी से तलब करो, वो गनी है तो गना भी उन्हीं से तलब करो। उस पर भरोसा हो, उसी से हाजत पेश करे, उसी के रूबरू हमेशा रहे। अल्लाह देख रहा है। ये सब सबरे उसी के हैं कि अल्लाह की तरफ से सब, अल्लाह की तरफ की समझ हो, समझ होगी थी सब आसार। और वरा को अपने नफ्स में और साफ से ज्यादा ढूंढा कर कि वरा हो पास आई, और मखलूक से तुम्हार रखने से पाक हो। ये तरीक कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह ताला तौफीक दे, कुछ मुश्किल नहीं। और वरा को अपने नफ्स में और अवसाफ से ज्यादा ढूंढा कर, और अवसाफ से अल्तानी रजमा, और मखलूक से तुम्हार रखने से पाक रहो, क्योंकि तामे अगर क्योंकि तामे मखलूक अगर तामे मखलूक ये लर्ज देने वाला है, अगर सात दरियाओं से पाक होना चाहे तो कोई चीज उसको पाक नहीं कर सकती, बजूद उसके कि उनसे मायूस हो और उसे अपनी हिम्मत बढ़ने को। तमा जब आ गया अल्लाह को तो इतनी गंदगी है कि सात समुद्र धोगे जा पाक नहीं हो। वाकई बहुत मशहूर है, बहुत सुनाते थे हजरत कि दिल्ली में एक नाला था कोई, तो उस पर कोई पगड़ी से रख देते हैं कि उसे पार। शाह अब्दुल रहीम साहब तशरीफ ले जा रहे थे और उससे पार होना चाहते थे उस नाले से, उधर से कुत्ता आ गया, वो खड़ा होते थे, दो नहीं जा सकते थे, एक जैसे कुत्ता जाता या शेख जाते। शेख रुके कि ये तो कुत्ता है, अगर ये नाले के अंदर गिर भी जाएगा तो क्या इसका होता है, मैं अगर नाले में गिरा तो नापाक हो जाऊंगा, धोना पड़ेगा, गुस्ल करना पड़ेगा, बस वो तो फरिश्ते अल्लाह की तरफ से पर। कहा सुन अब्दुल रहीम, मैं अगर गिरूंगा तो आपकी पाक कर देंगे, लेकिन तुम अगर तकबुर में मुब्तला हुए तो सात समुन्द्र धोगे तभी पाक नहीं होगे। मुझसे अगर तुमने बेहतर समझा अपने को तो साहचा तरीके अहम चीजों में से है कि तुम घर से निकलो तो किसी को अपने से कमतर न समझना, मगर सबसे कमतर लिखा किताबों में है, कोई मखलूक तुमसे कमतर नहीं, तुम कमतर हो, जितना ये इश्तेहजार होगा उतनी तरक्की होगी। आज बाकी मैं मुस्तसा नहीं करता, लेकिन बहुत कीवरे तो जगह जगह है, कोई झुकला नहीं जाता किसी बात में, हर जगह हम लोग दलील है, लेकिन अपने नफ्स के द्वारा से अलील है, तुमको कौन पूछता है। अल्लाह के हमें वही पूछा जाएगा जो अपने को नेस्ट करके जाएगा, नेस्ती बबुली गड़बड़ नेस्ती, आईना हस्ती चबाशत नेस्ती, आईना हस्ती चबाशत नेस्ती, नेस्ती बबुली गड़बड़ी, बुनियाद है तसव्वुफ की ये शेर, आईना हस्ती चबाशत नेस्ती, नेस्ती बबुली गड़बड़ी, नेस्ती अगर बेवकूफ नहीं हो।
अल्लाह के सामने तुम्हारी क्या हकीकत है। एक मामूली आदमी भी कोई तवाज़ो बात मुकाबले में नहीं कहता, बकबक करी तुम क्या हो। और उसको बहुत समझते हैं कि ये खुदी है और ये कुछ नहीं है। खुदा के साथ खुदी मजे आओ, खुदा और खुदी जवा नहीं हो सकती, खुदा और हवा जवा नहीं हो सकता। हवा बार अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। उसी के सामने हमेशा रहे और ये सब सबरे उसी के हैं कि अल्लाह की तरफ किस सब्जे जो कुछ है। और वरा को अपने नफ्स में और सबसा से ज्यादा ढूंढा करो, वरा है कि नहीं। और मखलूक से तुम्हारा रखने से पाक रहो, क्योंकि तामे मखलूक अगर सात दरियाओं से इसी बनेगा, सात दरियाओं से पाक होना चाहे तो कोई चीज उसको पाक नहीं कर सकती, बजुर से कि उनसे मायूस हो और उनसे अपनी हिम्मत बुलंद रखे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने बसरा में तशरीफ लाए और जामा मस्जिद में आकर वाइजों को देखा कि आवाज कर रहा है, सबको उठा दिया। हजरत अली आवाज कर रहे हो, यहां तक हसन बस उठा दिया, तुम आवाज कर रहे हो तो हल भी होगी नहीं, यही उठा दिया, उठो उठो। अब किसी को उठा के देखिए क्या होगा। हजरत अली उस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन थे। बातिन की तारीफ लिखा हुआ है कि जितने खुलफा हुए हैं जो उन्होंने जो बैत ली है, सिर्फ बैत सल्तनत नहीं ली है बल्कि बैत तरीकत भी ली है। अबू बकर सिद्दीक ने जो बैत किया है तमाम सहाबा थे, तो सिर्फ बैत सल्तनत नहीं बल्कि बैत तरीकत भी ली है, उनसे भी सिलसिला चला है। अय्याशी फहाशी के लिए नहीं लिया था, आराम करने के लिए। तरीकत अबू बकर सिद्दीक ने बाकायदा तलकीन की है जिक्रुल्लाह की, कलमे तैयबा की तलकीन किया है। शाह वलीउल्लाह साहब लिखे हैं कि तसव्वुफ सूफिया के सरदार अबू बकर सिद्दीक है, उन्होंने बुनियाद रखी है तरीकत की। अबू बकर सिद्दीक तभी तो सिलसिला नक्शबंदिया बहुत कहते हैं हम लोग बहुत आला अरफा अबू बकर सिद्दीक। हालांकि जितने सिलसिले सब उन तक पहुंचते हैं। हजरत अली है हम लोगों के, उन्होंने उस्मान से जो बैत किया बैत तरीकत ही किया है, उन्होंने हजरत अब सिद्दीक से किया तो बैत तरीकत, तो हम लोग तरीकत में नहीं दाखिल हो गए, हम लोग अली ही तक रहेंगे, हम लोग भी दाखिल है तरीकत जो चिश्ती वो सब नक्शबंदी भी है और क्या। गलती सब तर्जमानी करते रहती अन के चंद गैर मुहक्किक लोग, तब हम सब अबू बकर सिद्दीक तक पहुंचते हैं। भाई जब बैत तरीकत है तो अली ने भी जो बैत किया हजरत उस्मान से, उस्मान ने उनसे हजरत, तो सिलसिला हो गया कि नहीं हो गया, उठा दिया। यहां तक कि हसन बसरी के पास तशरीफ लाए और फरमाए कि ऐ नौजवान मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर जवाब दे दे तो तुझे रहने दूंगा और नहीं निकाल दूंगा, बस बात नहीं करने दूंगा। हजरत अली ने कहा ऐ जवान, सईद ताइफा है वो हजरत हसन बसरी, मामूली आदमी थोड़े ना, लेकिन उस वक्त अगर जवाब दे दिया तो तुझे रह दूंगा, नहीं तो तुझे भी उठा दूंगा जैसा कि तुमको औरों को उठा दिया है। हजरत अली ने उन पर कुछ आसार रुश देखे थे, देख लिया था चेहरे से एक बड़ा आदमी होने वाला है हसन बसरी। हजरत हसन ने आज किया पूछिए, वो भी मुतमिन हो गए, कहीं पूछिए क्या, जो आपका जी चाहे ये भी कह दिया, जो जी चाहे पूछिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाए कि बतलाओ इस दीन की जड़ क्या है, इस दीन की जड़ क्या है। कहा वरा, दीन की जड़ वरा पारसाई। फरमाया दीन की खराबी क्या चीज है सबसे, कहा तमा लालच, मखलूक से लालच सबसे बुरी चीज है। अल्लाह से अपने दिल को लगा लेना, उन्हीं से उम्मीद रखना, ये सबसे बेहतर चीज है, और मखलूक से तुम्हारा रखना सबसे बुरी चीज है, जानते भी नहीं।
नहीं, समझते भी नहीं, सुनने भी नहीं। ये किताबें हमारे थानवी के तर्जमा है। ये तो फरमा तू बैठा रह, ना कुछ बैठो, आवाज करो, पास हो गए। तू जैसा शख्स लोगों को वास कर सकता है, वास के लिए। शाह वलीउल्लाह साहब ने लिखा है कि वास के लिए भी ध्यान है तब सकाफत की जरूरत है। वास के लिए भी लिखा, तफीमात में लिखा है, वास के लिए भी। सिर्फ शेखुखत के लिए नहीं, बल्कि वास कहने के लिए भी, क्योंकि वास है खुदा और बंदों के दरमियान वास्ता, इस वक्त वो है अल्लाह की दीन की वो तर्जुमानी कर रहा है, उसको भी समझ के तर्जुमानी करना चाहिए। ये कुर्सी भी, वाज की कुर्सी भी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्सी है। हम आप जो भी बैठते हैं, वरासतन व नियाबतन बैठते हैं, सालतन नहीं बैठते। हर की बजाय नशस्त वो मर्दमा बवे मुतवज्जा शुदन उरा हुमा बात करके अंबिया अलैहिस्सलाम करदन। जो शख्स किसी मनसब पर बैठा तो मनसब उसका दरअसल नहीं है, वह रसूल का मनसब है। तो जो शख्स कुर्सी बैठा लोग उसकी तरह मुतवज्जो हुए तो उसको वही करना चाहिए जो अंबिया ने किया है, उसको तर्जमानी गैरों की नहीं करनी है, अंबिया की करनी है, क्योंकि कुर्सी उनकी है। मैंने अपने शेख अबुल अब्बास रहमतुल्लाह से सुना है, फरमाते थे कि मैं अवाले जमाने में हुदूद इस्कंदरिया में था, मुल्क किसी सरासा के पास जाकर कोई चीज आधे दिरहम को खरीदी, वहां जाकर के आधे दिरहम में कोई चीज खरीदी। फिर मैंने दीन की सलामती इस के कहते हैं खरीदी। फिर मैंने अपने दिल में कहा शायद ये शायद मुझसे दाम न ले, दिल में आ गई बात कि मुझको देखो करके कि गुदरी उदरी पहने हैं, शायद हम कर दे कुछ, बहुत देखा बारे में। फिर मैंने अपने दिल में कहा कि शायद ये शायद मुझसे दाम न ले। उसी वक्त एक हातिम ने आवाज दी कि दीन की सलामत इसमें है कि मखलूक से तमन्ना रखो। होता है खैर कि सर हमसे आप कपड़ा खरीदे गए, ये गए, बहुत देर में कितना आ जाता कि शादी नरम कर दे, कुछ सस्ता कर दे, होता कि नहीं। एक ख्याल है कि शायद कि ये कुछ हमारे साथ नरमी करे, कुछ माफ कर दे, होगा वही। एक आदमी कोई और चीज खरीदी तो कहा भाई कुछ माफ कर दो, आवाज आई कि इसने अपने दीन को बर्बाद कर दिया, इसने इन्हें अपने बुजुर्गी और जो सूरत है उसके नाम पर गोया कि ये कम कराना चाहता है, तो गोया उसके एवज में इसको लेना चाहता है। ये देखिए ये बहुत हमारे बुजुर्गों के माँ थानवी के माँ बेगनी साहब को नहीं मिलता है। अवाले जमाने में दिन में शायद ये सर मुझसे दाम न ले। उसी वक्त हातिम ने आवाज दी कि दीन की सलामती इसी में है कि मखलूक से तमन्ना न रखी जाए। आवाज बुलंद गैब से आवाज आई और मैंने उनसे सुना कि तमा वाला कभी सहर नहीं होता, तमा के हरफों को देखो सब खाली है, तो खाली मीम खाली आए। ऐ मुरीद तुझको लाजिम है कि मखलूक से अपनी हिम्मत को बुलंद रखो। ये अखीरी है मजमू सब। सो ऐ मुरीद, बहुत बड़े आदमी हैं लिख रहे हैं, शेख इब्न अता इस्कंदरी, इन्हीं की किताब बात तर्जमा है जो शेख वली साहब को वहां सुनाई जाती थी। सो ऐ मुरीद तुझको लाजिम है कि मखलूक से अपनी हिम्मत को बुलंद रख और मुकदमे रिज्क में उनके सामने दरखास्त मत पेश कर, क्योंकि वो तेरे वजूद से पहले किस्मत में लिखा जा चुका है।
और तेरे जुहूर से पहले साबित हो चुका है, अब क्या कर रहे हो। और एक बुजुर्ग का मकूला सुन कि एक मर्द आदमी जो चीज तेरी दाढ़ों के चबाने के लिए मुकद्दर हो चुकी है वो दाढ़ें जरूर तुमको चबाएंगी, यानी जिस जन्ना है वो मुंह में आएगा, वो उसको कोई छीन नहीं सकता। सो कमबख्ती के मारे उसको इज्जत से खा, वो तो आएगी, रोजी आएगी, तुमको चबाना है, पेड़ में डाना है, तो उसको इज्जत से ले जाओ, उसको इज्जत से खा, जिल्लत से मत खा। जानना चाहिए कि जो अल्लाह का पहचाने, जो अल्लाह को पहचानेगा, अल्लाह हम लोगों को सब दौलत नसीब अल एहसान अंताबुल्लाह। जानना चाहिए कि जो अल्लाह को पहचानेगा उसकी जमानत और कफालत पर वसूख रखेगा, और जब तक कि अल्लाह के पास की चीज पर उससे ज्यादा भरोसा न हो जितना अपने पास की चीज पर होता है, और ताला की जिम्मेदारी पर उससे ज्यादा वसूख न हो जितना मखलूक की जिम्मेदारी पर होता है, उस वक्त बंदे की समझ कामी नहीं होती। अल्लाह पर ज्यादा वसूख या अपने ऊपर वसूख, उस वक्त बंदे की समझ कामिल नहीं होती, और जाहिल होने के लिए यही बहुत है कि ये हालत न हो, अल्लाह पर भरोसा न होना ये जाहिल होने की अलामत है। किसी शख्स ने एक आदमी का जो कि आरिफ था देखा, और किसी शख्स ने एक आदमी को जो कि आरिफ था देखा कि हर वक्त जामा मस्जिद में रहता है, बाहर नहीं जाता। ये किस्सा हमने हजरत से भी जाए माशा, लेकिन दूसरे अंदाज था, लेकिन अब यही सब हजरत हाल ही से सुने रहे होंगे तो बयान करते रहते थे, लेकिन हजरत सामने सारी कभी किताब नहीं आई हुई, अब छपी। और किसी शख्स ने एक आदमी को जो कि आरिफ था देखा, हर वक्त जामा मस्जिद में रहता है, बाहर नहीं जाता। उस शख्स ने उस कदर उसकी पाबंदी से ताज्जुब किया, और अपने दिल में सोचा कि यह कहाँ से खाता है, हर वक्त जामा मस्जिद में बैठा रहता है, खाता कहाँ से। वो आरिफ उस शख्स के खतरे पर खतरे मुतरा हो गया कि मेरी तरफ से इसको छुपा हो रहा है। वो आरिफ उस शख्स के खतरे पर मुतला होकर एक रोज उससे पूछने लगा कि तू कहाँ से खाता है। उस शख्स ने कहा कि मेरा कोई दोस्त यहूदी है, उसने मुझसे दो रोटी रोजाना का वादा किया है, वो दे जाता है। उस आरिफ ने कहा, ऐ गरीब, तूने अपने लिए एक यहूदी के वादे पर वसूख किया। उन्होंने कहा, ये छुपा हुआ, तो उन्होंने खुद कहा तू कहाँ से खाता है, ये समझ गया, उसको छुपा हुआ कि ये कहाँ से खाता है, जामा मस्जिद में रहता है। तो उसने पूछा, इमाम ने जो रहता था, कि तू कहाँ से खाता है, उसके पूछने से पहले उन्होंने पूछा तू कहाँ से खाता है। देखिए आप लोगों बरकत से। उस शख्स ने कहा, मेरा कोई दोस्त यहूदी है, उसने मुझसे दो रोटी रोजाना का वादा किया है, वो दे जाता है। उस आरिफ ने कहा कि अरे गरीब, तूने अपने लिए एक यहूदी के वादे पर वसूख किया, और मेरे लिए अल्लाह ताला का वसूख नहीं है। जब तुम एक यहूदी पर वसूख करते हैं कि दो रोटी आके दे जाएगा, तो मेरे मुतालिक तुमको क्या है, तू नहीं ख्याल करता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझको देगा, और मेरे लिए अल्लाह ताला के वादे पर वसूख नहीं किया, हालांकि उसका ऐसा सच्चा वादा है जो कभी खराब नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा व यालम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। वो शख्स शर्मा के चला गया। किसी और बुजुर्ग का किस्सा है कि चंद रोज किसी इमाम के पीछे नमाज, हाँ ये वाकई सुना दिया, किसी और बुजुर्ग का किस्सा है कि चंद रोज किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते रहे। इमाम को उनके हर वक्त मस्जिद में बैठे रहने और अजबाब के छोड़ने से ताज्जुब हुआ। हर दिन रहता है खादा, पूछा कि तुम कहाँ से खाते हो। उन्होंने कहा, जरा ठहर जाओ, मैं पहले अपनी नमाजें लौटा लूँ, तुम्हारे पीछे यही नमाज पढ़ी है दोहरा लूँ, तब उसका जवाब दूंगा, फिर बताऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ना नहीं चाहता जो अल्लाह के वादे में शक करता है। अल्लाह का वादा है कि मैं रोजी दूंगा, तुमको अब सुबह है कि मैं कहाँ से कहा था, अल्लाह दे, ये समझ गया,
लौटा दे, फिर बतलाऊ, पहले नमाज कदा कर लू, तुम्हारे पीछे जो पढ़ा नमाज ही मेरी नहीं हुई, नमाज फिर बतलाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ना नहीं चाहता जो अल्लाह के बारे में शक रखता हूं, और हकायतें इस बारे में बहुत है। नहीं पढ़ा नमाज, पढ़ करके उसके जवाब ही नहीं दिया, कहा ऐसे पीछे नमाज पढ़ूंगा नहीं, जो पढ़ी उसकी कदा किया। किसी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला से पूछा, अगर किसी शख्स को एक कोठरी में बंद करके ऊपर से गारा लैस कर दिया जाए, तो उसका रिस्क कहाँ से आएगा? रिस्क तो है अल्लाह ताला, फरमाया रिस्क वहां से आएगा जहां से मौत आएगी, मौत जाएगी उसे। क्या समझा दिया? उसका रिस्क कहाँ से आएगा? फरमाया कि रिस्क वहां से आएगा जहां से मौत आएगी, मौत जब जा सकती है तो रोजी भी जा सकती है उसके अंदर, यकीन। इस हुज्जत को देखा, फरमा रहे हैं मुसन्निफ, इस हुज्जत को देखा कैसी रोशन है, और ये दलील कैसी वादे है, और ये जो शेख ने कहा कि सोचो अपने दिल में ये मजमून हाजिर करो कि कोई गजा जरूर चाहिए जिससे जुस्सा ये कायम रहे, और तदबीर ये है कि दिल में कहे कि फला फला तरीके से रिस्क मिलेगा, फिर कहे नहीं बल्कि फला फला असबाब से मुयसर होगा, और यही उधेर बुन यहाँ तक बढ़े कि नमाज में खबर ना हो कि कितनी पढ़ी, ऐसे चक्कर में पढ़े, और तिलावत कुरान में खबर ना हो कि क्या पढ़ा, बस वो था जिसमें तू लगा था मुकद्दर हो जाएगी। जब इसी में फिक्र में रहे नमाज में भी तो क्या नमाज पढ़ी तुमने, और उसके अनुवार से तू बेनसीब हो जाएगा, नमाज के अनुवार तिलावत के अनुवार से महरूम हो जाएगा, और उसके असरार उसके हकम से महरूम हो जाएगा। तो जब ये ख्याल तो उसको घेरे तो कुदाले तवक्कुल से उसकी बुनियाद को मुनहदिम कर दो, तवक्कुल की कुदाल से खत्म करो, जब खत्म करोगे तब तुमको मिलेगा। अब है मुझे ये सब दर्जात हैं एहसान के अल्लाह, तो कुदाले तवक्कुल से उसकी बिना को मुनहदिम कर दो, और वजूद यकीन से उसको रेजा रेजा कर दो, और जान तू तुझ पर अल्लाह के मान है, अल्लाह तेरी तदबीर का इंजाम तेरे होने से पहले कर चुका है, और तू अगर अपने नफ्स की खैर खाई चाहता है तो उसके लिए तदबीर मत कर, क्योंकि उसके लिए तेरा तदबीर करना जरूर, क्योंकि उसके लिए तदबीर करना जरूर है, क्योंकि उसे तदबीर के सब तुझे तेरे ही हवाले कर दिया जाएगा, तुम तदबीर के पीछे पड़ोगे तो तदबीर के हवाले परेशानी होगी। बारह ये बुजुर्गों के अहवाल है, देख ला दी देखा, बुजुर्ग वैसे बैठे हुए कुछ नहीं, अल्लाह देता है रोजी। फरमाया अल्लाह ताला ने वकान हकन अलैना नसर मोमिन, हम जो मुसलमान ऐसा करेगा तो हम मुसलमानों की मदद मोमिन की मदद करेंगे, वकान हकन अलैना नसर मोमिन, यानी हमारे जिम्मे है हिमायत ईमान वालों की। और फरमाया बल नख्ज़ु बिलहक अलबातिल फयदमहु फहुव ज़ाहिर, बल्कि हम फेंक मारते हैं हक को नाहक पर, बस वो उनका भेजा निकाल देता है फिर बच जाते हैं, कुरान का आयत। यानी जब फिक्र आखिर ले आते हैं तो फिक्र दुनिया को खत्म ही कर देते हैं। बहुत हजरत हमारे पूरा मुसल इस पर है, दूसरा अंदाज दूसरा है, ये नहीं है लेकिन और ये जो शेख ने कहा कि बाद हुसूल के फिर से वो मुख्य से बचा, सो ये दोनों आवारिस बाद हुसूल के हैं, और ये दोनों ज़ोफ़ यकीन और बेइत्मीनानी से पैदा होते हैं, उस पर हिर्स और बुख़्ल वाक़ होते हैं। हक़ ताला ने अपने कलाम में फरमाया
मन यो का शोह नफ से फौलाए को मूल मुफले हो शो से कुरान कर रहा है। ये जो सर हिर से महफूज रहा ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। मन यो का शोह नफ से फौलाए को मूल मुफले हो मुझा कम से कम जाने तब तो अल्लाह ही से दुआ करेगा कि अल्लाह ताला हिर से तमा से हमको महफूज रखे। जानते ही नहीं तो न पढ़ा मांगेगा न दुआ करेगा। ये किताबें उभारने वाली हैं हक पर तरीक पर चलाने वाली हैं किताबें। वो मैं योग शुह नफसी फौलाए को हमल ये खुदा कर रहा है। जो शख्स हिर से महफूज है ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। ये भी है इस किताब में इसको लिया हुआ है। वो किताब में हिर शुह को भी वो मैं यू का शोह नफसी यानी जो सर हिर से महफूज रहा ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। इससे मफहूम हुआ कि साहिब शोह को फलाह नहीं साहिब हिर यानी उसको नूर नहीं और फलाह नूर को कहते हैं। अल्लाह ताला मुनाफिकीन के बारे में फरमाया अशियाल्लाई वो लोग माल पर हरीस हैं जिन्हें ईमान नहीं लाए बस अकालत कर दी अल्लाह ने उनके काम सब वही भी है। ओमई अबखल फैनमा यबखल व नफसी यानी जो बुखल करता है वो हकीकत में अपने से बुखल करता है। महाराज उस तरीके से बहुत सी बातें हैं लिखते ही चले जा रहे हैं। शो और बुखल ज़्यादा अच्छा हो रहा है। नवाफिर के बारे में सुना देता हूँ। जान तो मजमूनों खत्म हो गया। दूसरा फरमाए जान तो अल्लाह ताला तुझ पर रहम करे। जान तो अल्लाह तुझ पर रहम करे कि हमने वाजिबात को गौर करके देखा तो मालूम हुआ कि हक सुभान व तआला ने जितनी इबादतें वाजिब की हैं उन्हीं के जिनसे कोई नफिल भी मुकर्र की है जितना वाजिब नफिल भी की है ताकि उस नफिल से उस कलील का तदारुक हो जाए। फर्ज नमाज है कौन अदा कर सकता है जैसा हक है तो वाजिब दो का नफिल चार का नफिल कर दिए ताकि जो कमी रह गई उससे पूरी हो जाए। ये मशहूर चीज है लेकिन इन्होंने बोले अंत कहते हैं जान अल्लाह ताला तुझ पर रहम करे कि हमने वाजिबात को गौर के देखा तो मालूम हुआ कि हक सुभान व तआला ने जितनी इबादतें वाजिब की हैं उन्हीं की जिससे कोई नफिल भी मुकर्र की है ताकि उस नफिल से उस कलील का तदारुक हो जाए। दो सुन्नत भी है जो पढ़ लो दो सुन्नत वाजिब है दो नफिल पढ़ लो जो कमी है इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। जो इरादे वाजिब में मुकल्लफ जो इरादे वाजिब में मुकल्लफ हो इसी तरह हदीस में आया है कि अव्वल बंदे को फर्ज नमाज को देखा जाएगा अगर उसमें कुछ नुकसान हुआ तो नवाफिल से उसकी तकमील कर दी जाएगी। इसको खूब समझ ले फरमा रहे हैं। अब दो का नफिल कुछ अहमियत हो जाएगी नहीं नवाफिल से उसकी तकमील है उसको खूब समझ ले अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए और सिर्फ उसी अमल पर इक्तफा कर जो अल्लाह ने तुझ पर फर्ज किया है वह न कर बल्कि तुझ में एक मुस्तैद करने वाला मोहब्बत भी होनी चाहिए जो इस अमल पर तेरे मुतवज्जा होने का बाइस हो कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ तुम पर वाजिब नहीं फरमाई उसमें तुम कुछ कर लो। अल्लाह ने अपने ऊपर कर लिया तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने तुमको ज्यादा दी है तो तुम भी कुछ इबादत में ज्यादती कर लो बहुत और सिर्फ उसी अमल पर इक्तफा मत कर जो अल्लाह ताला ने तुझ पर फर्ज किया है बल्कि तुझमें एक मुस्तैद करने वाली मोहब्बत भी होनी चाहिए कि जो इस अमल पर तेरे मुतवज्जे होने का बाइस हो कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ तुझ पर वाजिब नहीं फरमाई उसमें भी अल्लाह ताला से मामला तुम भी तो कुछ करो।
और अगर बंदा ये मतलब ये मोहब्बत से होगा, अल्लाह से मोहब्बत होगी, ये नहीं कि तकिया होते ही पर बल्कि कुछ बढ़ा के दे, अल्लाह से मामला होगा। और अगर बंदा अपने मीजान अमल में सिर्फ वाजिबात के करने और हराम के छोड़ने का स्वाब देखें तो उनको इस कदर खैर और मन्नत फौत हो जाएगी जिसको कोई गिनने वाला गिन नहीं सकता, और अंदाजा करने वाला अंदाजे पर पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदों के लिए दरवाजा मामले का कुछ आदा फरमाया और असबाब वसल को बयान कर दिया कि कुछ नवाफी पढ़ो पूरा हो जाएगा। सब और जानना चाहिए कि हक ताला को मालूम है कि मेरे बंदों में कम हिम्मत बहुत है, और हिम्मत वाले भी कहते हैं मेरे बंदों में कम हिम्मत वाले भी हैं और हिम्मत वाले भी हैं। इन्हें वाजिबात को वाजिब किया और हराम को बयान किया, जो कम हिम्मत थे उन्होंने सिर्फ अदाए वाजिबात और तारिक के मुहर्रमात पर बस किया, और उनके दिलों में गलबे मोहम्मद और शेफरी नहीं है जो उनको बाइस हो के बेदुन वाजिब किए भी कुछ मामला करें। सो उनकी मिसाल ऐसे गुलाम किसी है जिसका हाल मालिक को मालूम है, अगर इस पर खराज मुकर्रर न करूंगा ये कुछ नहीं लाएगा, ये फर्ज किया ताकि फर्ज तो अदा करिए, ऐसा है। इसी वास्ते हक ताला ने औरात को मौकत फरमाया और आमाल उबूदियत को मौकर किया और तुलू गुरूब और जवाल और साय के बराबर होने से नमाज के अवकात बतलाए, और नकद और तजारत और मुआशी में जो माल बढ़ता उसमें साग गुजार मुकर किया, और खेती में पैदावार उस बात हक हुई और वहाँ शादी, इतने ही तो कर ले बहुत है। यानी ये नहीं कि सब पर कर दिया, तो मालूम है कि अल्लाह ताला ने जो हम पर आमाल मुकर्रर किए हैं हमारे सहूलत के लिए है कि इतना तो कर लेगा, और अगर इससे ज्यादा कर ले मोहम्मद राय देगी। हदीस में आता है कि बंदा फराज से कुर्ब हासिल करता जाता है, बहुत मशहूर हदीस है, कुर्ब फराज फिर उसका नवाफिल नवाफिल से कुर्ब हासिल कर है, यहाँ तक वो इस मकाम पर पहुंच जाता है कि मैं उसकी जबान होता हूँ मेरी जबान से वो बोलता है। लेकिन नवाफिल कुर्ब फराज और कुर्ब नवाफिल जब जमा होते हैं तो ये दर्जा उसको मिलता है कुर्ब फराज। सिर्फ नवाफिल अगर कोई अदा करे फराज को कुछ नहीं मिलेगा, वो कुर्ब नवाफिल उसी सूरत बड़ी बहुत तवील भाषा की 50 सफ़े में पर है ना जो आया कुर्ब फराज कुर्ब नवाफिल बहुत बात किया है। मालूम कि हजरत ने फरमाया कि भाई कुर्ब अगर नवाफिल तुम्हारे पास है, कुर्ब फराज अगर नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, और कुर्ब फराज के बाद कुर्ब नवाफिल का दर्जा उसी सूरह में है जब फराज तुम अदा करोगे। इस पर साबित किया ये कि बहुत से लोग कहते हैं हम ये पढ़ते हैं, नहीं फराज को पढ़ना तुम्हारे जरूरी, मगर अल्लाह ताला हम सब लोगों को दे रही अल्लाह ताला हम सब लोगों को तरीक को समझने की अखलाकियात की तरफ से भी और वज़ाइफ के तरीके से भी बाकी कैफियात के अतबार से भी अल्लाह ताला हम सब लोगों को एतदाल पर रखे, और वो कल्ब दे जो अल्लाह के का पसंदीदा हो, वो कल्ब वही इसमें अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह का ताल्लुक निस्बत हो, उसकी कोशिश हम सबको बुजुर्गान दीन के लिए यहाँ लोग जाते थे, अब क्या सवाल है, वो इसीलिए जाते थे तकमील ईमान। तस्वीर जहर मक्के लिखा है कि जिस तरह ईमान जरूरी है